गुरुग्राम में बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट को करोड़ों रुपए की ठगी मामले में गिरफ्तार किया गया है। क्या है मामला और क्या है आरोप, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में करोड़ों की ठगी मामले ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट ने देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी के नाम पर 125 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। दरअसल डिप्टी कमांडेंट ने सुरक्षा एजेंसी कैंपस में काम दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठग लिए। ठगी में नकली लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया। मामले में बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कैश और चार लग्जरी कार भी बरामद की गई है। एक प्रवीण यादव नाम का व्यक्ति जो मानेसर की एनएसजी कॉम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहाँ पे हमारे को काफ़ी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर देके और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए अर्नेस्ट मनी के नाम पे। और उसने ये सारा फर्जी अकाउंट अपनी बहन जो ऋतुराज एक्सिस बैंक में मैनेजर है उसकी मदद से ये फर्जी अकाउंट खुलवाया और इस तरह से करके उसने 65 करोड़ रुपए की हमारे साथ ठगी की है। मामले में एसीपी प्रीतपाल सिंह की माने तो आरोपी डिप्टी कमांडेंट कुछ समय पहले बीएसएफ से डेपुटेशन पर एनएसजी में पोस्ट हुए थे। इस दौरान उनके संपर्क में पीड़ित आए आरोपी ने टेंडर दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठग लिए। कुछ लोगों को ये भी कहा था कि हमारा हैदराबाद में कम्प्लेक्स है वहाँ पे भी काम करवाना है और उसी बात पे उनको शक हुआ। उन्होंने पता कराया कि वहाँ पे कोई काम होना है या नहीं, इस बात को ही लेके उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस में कम्प्लेंट। हाँ, ये काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखता था और उनमें से चार गाड़ियाँ हमने बरामद की हैं और कुछ और गाड़ियाँ भी हम बरामद करने जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों से पूछताछ जारी है। देखना यह है कि पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासे होते हैं। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक।